क्वेश्चन सिंप्लीफाई, तो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। और तो इसमें हम सबसे पहले वर्क इस रूट एक्स को पावर के फॉर्म में करेंगे, तो ये होगा 5/5 रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू 4th रूट ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब इंटू 5th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और इस रूट एक्स का 1/2। और इसमें हम एक्स स्क्वायर और ये एक्स टू द पावर 1/2 है, तो बेस सेम रहने से पावर इसका ऐड होगा। और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4+1 5/2। तो हम इसको लिखेंगे 5/2 इक्वल टू 5th रूट एक्स टू द पावर 4th रूट एक्स क्यूब, और इस क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5/2 होल टू द पावर 1/3। और ये मल्टीप्लाई होगा पावर, तो ये होगा 5/6 और फिर ये इसमें भी बेस सेम है तो पावर ऐड होगा और ये होगा एक्स टू द पावर 3+5/6 23/6। और इसके बाद हम इसमें इस 4th रूट को पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 4th रूट को पावर के फॉर्म में चेंज करने से ये होगा एक्स टू द पावर 23/6 टू द पावर 1/4 5th रूट एक्स टू द पावर 4 इन एक्स टू द पावर, और इसमें फिर पावर टू द पावर पावर है तो ये मल्टीप्लाई होने से ही होगा 23/24 और फिर इसमें बेस सेम तो पावर ऐड होगी। तो इसके पावर को ऐड करेंगे और फिर इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से ये होगा 24/4 96+23, सो इक्वल टू 5th रूट एक्स टू द पावर 1/1। और इस अब लास्ट में हम इस 5th रूट को पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये होगा होल टू द पावर 1/5 इक्वल टू, और पावर टू द पावर पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 119/24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120, सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।